नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix 08i वर्सेस Micro Max in 1 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 08i में 6.64 इंच जबकि Micro Max in 1 में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 08i से कम है। विड्थ की बात करें तो 08i में 2.99 इंच जबकि Micro Max in 1 में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 08i में 0.35 इंच जबकि Micro Max in 1 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो 08i में 210.5 ग्राम्स जबकि Micro Max in 1 में 195 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 08i में 20:5:9 जबकि Micro Max in 1 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 08i में 6.85 इंचेस जबकि Micro Max in 1 में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 08i में 1080x2460 और Micro Max in 1 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 08i में 87.04% जबकि Micro Max in 1 में 84.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 08i में 392 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Micro Max in 1 में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 08i में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Micro Max in 1 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 08i में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Micro Max in 1 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 08i में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Micro Max in 1 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 08i में Mali G76 MC4 जबकि Micro Max in 1 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 08i में MediaTek Helio G90T और Micro Max in 1 में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो 08i में 8GB की RAM मिलती है जबकि Micro Max in 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 08i में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Micro Max in 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 Qt देखने को मिलती है। बैटरी 08i में 4500mAh जबकि Micro Max in 1 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 08i में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें माइक्रो मैक्स इन वन की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,870 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो इन्फिनिक्स जीरो एट आई में 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें माइक्रो मैक्स इन वन की तो उसमें 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 08i आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A16K है, दूसरा पोको M4 Pro 5G है, तीसरा मोटो G51 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो T1 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।